पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने पार्टी से इस्तीफा देने की पेशकश की है। आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे भी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया जब विपक्षी दल राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम तय करने जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए यशवंत सिन्हा का नाम सुझा सकती है। तो वहीं यशवंत सिन्हा ने अपने पोस्ट में कहा है कि ममता जी ने टीएमसी में जो मुझे सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। अब समय आ गया है कि मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए पार्टी से अलग हो जाऊँ ताकि विपक्ष को एकजुट करने के लिए काम कर सकूँ। मुझे उम्मीद है कि ममता जी मेरे इस कदम को स्वीकार करेंगी। आपको बता दें कि 15 जून को नए राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में नामांकन दाखिल कराने की आखिरी तारीख 29 जून है। अगर चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ती है तो यह 18 जुलाई को कराए जाएंगे और जुलाई में ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।